नमस्कार, मैं मधु सक्सेना रायपुर छत्तीसगढ़ से आज कुछ कविताएं प्रस्तुत करूंगी और कुछ हल्की फुल्की बात। हालांकि मैं इतना जानकार नहीं हूं कि मैं कुछ बता सकूं या ज्ञान दे सकूं, लेकिन फिर भी जो कुछ मैं जानती हूं कविता के बारे में, मैं वो सब कुछ कहना चाहूंगी जो मैं महसूस करती हूं। हो सकता है सब लोग अलग अलग तरीके से महसूस करते हों इस चीज को, कविता को। जनसरोकार मंच टोक का फिर से धन्यवाद देती हूँ। अज्ञेय ने जी कहा है, अज्ञेय ने कहा है कि कविता अर्थवान मूक क्षणों की वह श्रृंखला है जो शब्दों की कड़ियों से जोड़ दी गई है। अज्ञेय ने कहा है कि कविता अर्थवान मुख क्षणों की वह श्रृंखला है जो शब्दों की कड़ियों से जोड़ दी गई है। ये बात बिल्कुल सही लगती है मुझे। सच ही कहा है, मन की नम धरती पर संवेदना का कोई बीज गिरता है तो अंकुरित हो जाता है कविता के रूप में। कभी मन की बेचैनी को लिए रहता है तो कभी मन का सुकून। कभी मन की बेचैनी तो कभी दिल का सुकून, कभी आक्रोश तो कभी समर्पण, कभी दुख का सुख बन जाती है कविता तो कभी सुख का दुख। कभी स्मृतियों में घूमती है तो कभी भविष्य के सपने बुनती है। कभी दुख का सुख बन जाती है तो कभी सुख का दुख। कभी स्मृतियों में से घूमती है तो कभी भविष्य का सपना बुन देती है। बिल्कुल अपनी सी, कभी वो मुझ में समाना चाहती है, कभी मैं कविता में। इसी बात पर मैं अपनी पहली कविता प्रस्तुत करती हूं। कविता बन जाना चाहती हूं मैं। कविता लिखते लिखते बन जाना चाहती हूं खुद एक कविता। कविता लिखते लिखते बन जाना चाहती हूं खुद एक कविता। माँ की उंगलियों की पोरों से चिपक कर रखा जाना चाहती हूं, नन्हे के कपाल पर ढिटोना बनकर। नन्हे के कपाल पर डिडोना बनकर दुआओं में बैठकर निहारना है माँ की आंखों का सलोनापन। पिता के विश्वास में रह जाऊं, उनकी कर्मठता का सबूत बनकर चल पड़ूं कदम से कदम मिलाकर। आंखों का आसमानी सपना होकर ठहर जाऊं कोमल एहसासों में। आंखों का आसमानी सपना होकर ठहर जाऊं कोमल एहसासों में। पंछी की उड़ान के संग उड़कर समेट लूं जीवन का हर रंग। मौन की आवाज सुनते हुए झुर्रियों में लिखा जाना चाहती हूं आशीष बनकर। एकाकार हो जाना है जीवन और कुदरत के गठबंधन में गांठ बनकर। अपने अंतिम समय को भी शुभ दिन कहकर कविता लिखते लिखते खो जाना चाहती हूँ किसी कविता में। खो जाना चाहती हूँ किसी कविता में। मैं अपनी अगली कविता कुछ है। इस कविता में मैंने अलग ही प्रयोग किया है इस कविता में कुछ अलग ही प्रयोग किया है, देखिए शायद आपको पसंद आए। कविता का शीर्षक है सा से हा तक। सा से हा तक पढ़ना सिखाया माँ ने मुझे, पढ़ना सिखाया माँ ने उनको उनकी माँ ने, और शायद उनको उनकी माँ ने। मुझे पढ़ना सिखाया माँ ने उनको उनकी माँ ने, और शायद उन्हें उनकी माँ ने। पीढ़ी दर पीढ़ी सिखाने की परंपरा को निभा रही हूँ मैं। पीढ़ी दर पीढ़ी सिखाने की परंपरा को निभा रही हूँ मैं। अपनी बेटी को सिखा रही थी सा से सहनशीलता, सहमति, समझ, समझौता, सिर झुकाना। पीढ़ी दर पीढ़ी सिखाने की परंपरा को निभा रही थी मैं। अपनी बेटी को सिखा रही थी सा से सहनशीलता, सहमति, समझ, समझौता, सिर झुकाना। माँ सा से आगे हाँ भी सिखाओ ना, बेटी ने ठुनकते हुए कहा। माँ सा से आगे हाँ भी सिखाओ ना, बेटी ने ठुनकते हुए कहा। तो
तो सहम गई, टाल गई, थोड़ा डर भी गई। खूब घी गुड़ मिलाकर रोटी दे बहला दिया उसे। आज इतने बरसों बाद देखा, मेरी बेटी अपनी बेटी को सास से आगे हाँ पढ़ा रही थी। खुशी से आंखें डबडब आ गई, धुंधले हो गए आकार, सुनाई देती रही आवाज, हाँ से हक, हकीकत, हिम्मत, हौसला, हुनर। खुशी से आंखें डबडब आई, धुंधले हो गए आकार, सुनाई देती रही आवाज, हाँ से हक, हकीकत, हिम्मत, हौसला, हुनर। अपनी आंखें पोछते हुए गर्व से आशीषती रही दुनिया की सब बेटियों को, अपनी इस आंखों की समस्या को लेकर एक कविता मैं लेकर आई हूँ। आप सभी का स्वागत है। बस आंखों की समस्या पर एक कविता। कविता कहाँ से उपजती है, कहाँ से ये हम समझ नहीं पाते, कब आ जाती है हमारे पास चलते चलते, वो कहीं से बहती रहती है आसपास, कोई क्षण भर का कोई ऐसा बात होती है तो कविता हमारे साथ आ जाती है। कविता का शीर्षक है डॉक्टर सुनो। आंखों की पूरी तरह जांच करने के बाद डॉक्टर ने कहा, ये दवा डालो चार बार, आंखों का पानी सूख रहा है। ये भी कोई बात हुई? क्या कहते हो डॉक्टर? इन आंखों की हरकतों की शिकायत किससे करूं? डबडबा जाती है हर कभी, बहने लगती है जरा सी बात पर, और तुम कहते हो पानी नहीं। पुराने खत हो या एल्बम हो, हाथ आते ही कोई भावुक सी कविता पढ़ते हुए माँ की याद आते ही, या किसी के जोर से बोलने मात्र से बहना शुरू हो जाती है ये आंखें, और तुम कह रहे हो सूख रही आंखें, ये कोई बात हुई डॉक्टर? गीले रुमालों को पेश करूं साक्ष्य के रूप में? या उन दोस्तों की गवाही दिलवाऊं जिन्होंने पोछे थे आंसू, या उन किताबों के पन्ने दिखाऊं जिनमें बने आंसुओं के निशान? यह सबसे पुख्ता साक्ष्य तो गुलाबी नीले फूलों वाला वो तकिया है। जो सदा नम ही रहता है, और तुम कहते हो आंखों की नमी कम हो रही है, ये क्या बात हुई डॉक्टर? कैसे मान लो तुम्हारी बात, तन के चिकित्सा विज्ञान से इतर मन का कोई चिकित्सा विज्ञान है क्या? जो अंतिम विदाई देते हुए मुस्कुराकर बाय करे, स्मृतियों पर अट्ठास करे, संवेदना के नाम पर खिलखिलाए और पराए रुदन पर मुस्कुराए। बताओ ना डॉक्टर, आंखों में कोई छुपा हुआ पानी भी है क्या? जो सुख दुख से परे उम्र की आंच में सुखता ही है, बताओ ना डॉक्टर, हर कविता के पीछे एक कहानी होती है, कोई एक पूरा विस्तार होता है, और जब हम उस बात को आगे ले जाते हैं तो वो कविता के रूप में हमारे साथ चल देती है। कोई बात, कोई घटना विगत की हो या वर्तमान की, अंगड़ाई लेकर उठ खड़ी होती है और लिखवा लेती है खुद को। कई बार ऐसा ही होता है, छोटी सी कोई घटना कभी हो, ये तो आप सभी जानते हैं जो कविता लिखते हैं, कि तैरती सी रहती है हवा में हमारे आसपास, एन उसी समय गहरी सांस के साथ हृदय तक पहुंच गई, पहुंच जाती है तो कुलबुलाने लगती है,
और अभिव्यक्त होने लगती है। वरना छूट गई तो छूट गई, और बड़ी माननीय भी होती है, बहुत मान कहती है कविता, बहुत सम्मान चाहती है कि जब आई हो तब नहीं लिखा हमने, या उसके आंचल का कोई छोर नहीं पकड़ लिया तो वो चली जाती है। ये आप सब जानते हैं कि कई कविताएं हमारी चली गई हैं ऐसी ही। अब मैं अपनी अगली कविता की ओर आती हूँ। चिड़ियों, चहकती हुई डोलती हुई चिड़िया सबको अच्छी लगती है। मैंने भी लिखा है चिड़िया पर चिड़िया लिखते लिखते मैं पहुंच गई कहीं और। मेरी अगली कविता है चिड़ियों, तुम शाम होते ही घर लौटना जरूर। चिड़ियों, तुम शाम होते ही घर लौटना जरूर, दाना खिलाना अपने बच्चों को भरपेट, खेलना उनके साथ। मोहन सुबह ही तो निकला था घर से, आंखों में सपना लिए पर लौटा नहीं। छितरी लाशों के बीच पहचाना गया उसे उसकी सगाई की अंगूठी से। अब ये बहुत सारी घटनाएं जुड़ गई हैं इस कविता में। छितरी लाशों के बीच पहचाना गया उसे उसकी सगाई की अंगूठी से, और सलीम कहकर गया था अम्मी को अभी आता हूं, उसकी निर्जीव देह ही आई खून से लथपथ। लक्ष्मी, नफीसा और मेरी का तो पता ही नहीं चला आज तक। लक्ष्मी, नफीसा और मेरी का तो पता ही नहीं चला आज तक, नमक लेने गई थी दुकान तक, आई ही नहीं। कबीर रो रहा बाजार में खड़ा, रसखान गुमसुम है। बाबा धूमिल और दुष्यंत चिंतित हैं, पाश और मंटो क्रोध में है। कई मासूम आंखों में अभी भी बाकी है इंतजार। चिड़ियों, चिड़ियों तुम ऐसा मत करना, शाम होते ही घर लौटना जरूर, अपने बच्चों को दाना खिलाना भरपेट, खेलते हुए उड़ना सिखाना उन्हें, विस्तृत आकाश में बाज से टकराना और बचना जरूर सिखाना उन्हें, विस्तृत आकाश में बाज से टकराना और बचना जरूर सिखाना उसे, बचे रहना सबसे जरूरी है मेरी प्यारी चिड़िया, बचे रहना सबसे जरूरी है। अगली कविता मेरी है, धन्यवाद शिवानी, आंखें नम हो गई आपकी, ये कविता की सफलता है। एक कविता जो समाज में हो रहा है आज, उसको लेकर हमारे बुजुर्गों की जो स्थिति हो रही है उस पर एक कविता प्रस्तुत कर रही हूँ। बंजारन माँ, बंजारन माँ, बड़े से घर को समेट कर रखने वाली माँ एक टीन के छोटे से बक्से में समेट लेती है अपनी गृहस्थी। बड़े से घर को समेट कर रखने वाली माँ एक टीन के छोटे से बक्से में समेट लेती है अपनी गृहस्थी, कुछ धोती, एक शाल, पति का फोटो और नन्हे के लिए ताबीज। मोटा चश्मा चढ़ाए मिचमिचाती रहती है कभी कभी, बड़ी और सुंदर रही आंखों पर मोटा चश्मा चढ़ाए मिचमिचाती रहती हैं, कुछ सपनों की झुर्रियां पलकों पर रखे हुए, कुछ सपनों की झुर्रियां पलकों पर रखे हुए संतानों के बीच डोलती रहती है। करती है उनकी फिक्र माँ, चाहती अपने हाथ से बनाकर खिलाना, करती है उनकी फिक्र माँ, चाहती है अपने हाथ से बनाकर खिलाना साजा, राबड़ी और बेसन की चक्की, जिसे खाने की होड़ लगती थी बच्चों में कभी। आज भी रखती है उनके लिए व्रत मंगलवार और संतान सप्तमी का, आज भी रखती है उनके लिए व्रत मंगलवार और संतान सप्तमी का, डरती है जिंद महाराज और भैरव बाबा से, दिया लगाकर धोख देना नहीं भूलती रोज। डरती है आज भी जिंद महाराज और भैरव बाबा से, दिया लगाकर धोक देना नहीं भूलती रोज, भले ही संतान भूल जाए उनका टूटा चश्मा बनवाना या उनकी दवा। आते जाते असिस्ती है सबको, आते जाते असिस्ती है सबको, अपने से लंबे होते नाती पोतों को देखकर झुकी कमर
तन जाती है गर्व से। जीवन के हर संघर्ष में जीत हासिल करती माँ नहीं जीत पाती अब। बहु बेटे नाती पोतों का मन बंजारन सी भटकती रहती है, कभी इसके पास कभी उसके पास। अब उन्हें न कोई रोकता है न बुलाता है, फिर भी उलझती चल पड़ती है। हर घर को अपना घर मानकर, हर घर को अपना घर मानकर। चलिए प्रेम कविताएं हो जाती कुछ। एक प्रेम कविता। नियमों के बीच वो कोई ईश्वर नहीं कि तिलक लगाकर सुबह शाम प्रार्थना कर ली। वो कोई ईश्वर नहीं कि तिलक लगाकर सुबह शाम प्रार्थना कर ली। हाथ जोड़ मंत्र पाठ किया, दिया अगरबत्ती लगा दी और मुक्त हो गए। वो कोई वेद पुराण शास्त्र या ग्रंथ नहीं, वो कोई वेद पुराण शास्त्र या ग्रंथ नहीं कि अध्ययन किया, स्वाध्याय किया, शास्त्रार्थ किया और गर्व कर लिया ज्ञान पर। वो कोई वेद पुराण शास्त्र या ग्रंथ अध्ययन किया, स्वाध्याय किया, शास्त्रार्थ किया और गर्व कर लिया ज्ञान पर। वो कोई भोजन भी नहीं, वो कोई भोजन भी नहीं दोपहर सुबह सुबह दोपहर और रात को कर लिया नियम से बदल बदल कर स्वाद ले लेकर। वो कोई वस्त्र भी नहीं, वो कोई वस्त्र भी नहीं रंग डिजाइन और फैशन के अनुसार चुन लिया धारण कर इतरा लिए। वो कोई गोली दवाई आसव अवलेह या काढ़ा नहीं, वो कोई गोली दवाई आसव अवलेह या काढ़ा नहीं कि किया सेवन और रोग मुक्त हो गए। वो कोई मनोरंजन भी नहीं नाटक फिल्म तमाशे या जादू की तरह कि देखा सुना और आनंदित हो गए। तो फिर क्या है वो प्रेम है जनाब जिसके लिए सब कायदे अपनाकर बेकायदा होना पड़ता है। वो प्रेम है जनाब जिसके लिए सब कायदे अपनाकर बेकायदे होना होता है। नियमों के बीच रहते हुए धज्जियां उड़ा देना है हर नियम की, नियमों के बीच रहते हुए धज्जियां उड़ा देना है हर नियम की। जो जितना बंधा उतना ही मुक्त हुआ। सबसे सरल है प्रेम करना और दुनिया में सबसे कठिन है प्रेम करना। सबसे सरल है प्रेम करना और सबसे मुश्किल भी है प्रेम करना। धन्यवाद। मैं कुछ एक और स्त्री विमर्श की कविता लेकर आई हूँ। ऐसा कर जाए, ये मेरी सोच है और अगर ये सोच अगर पूरी लागू हो जाती है तो मुझे लगता है दुनिया की बहुत सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। ऐसा कर जाए, एक कोमल मन ही बात समझेगा कोमल मन की, एक कोमल मन ही बात समझेगा कोमल मन की। जुड़े हैं हम दोनों एक घर से, तुम आई और मैं गई। एक कोमल मन ही बात समझेगा कोमल मन की, जुड़े हैं हम दोनों एक घर से, तुम आई और मैं गई। वो घर न रहे भले ही मेरा, पर ये घर तुम्हारा ही रहेगा। कोई नहीं कह पाएगा तुम दूसरे के घर की हो, तुम दूसरे घर की हो। बहुत हुआ ये सब सुनना कि पराई होती है लड़कियां, बहुत हुआ ये सब सुनना कि पराई होती है लड़कियां। पराए घर से आई बहू अपनी नहीं हो सकती। आओ भाभी, आओ भाभी, काकी, बुआ, बहू, एक नई रीत बनाएंगे। आओ भाभी, काकी, बुआ, एक नई रीत बनाएंगे। एक दूसरे को राखी बांधकर वचन देंगे और एक दूसरे का मान बनाए रखेंगे। ऐसा हो तो कितना अच्छा हो, हर स्त्री दूसरी स्त्री को रक्षा सूत्र बांध दे, हर मुश्किल में साथ दे, एक दूसरे की रक्षा करें। ऐसा हो तो कितना अच्छा हो,
हर स्त्री एक दूसरी स्त्री को रक्षा सूत्र बांध दे, हर मुश्किल में साथ दे, एक दूसरे की रक्षा करे, फिर कोई कन्या गर्भ में ना मरे, कोई स्त्री सताई ना जाए, सती ना बने, जलाई ना जाए, बलात्कार या हत्या का शिकार ना बने। यही कामना है मेरी कि फिर कोई कन्या गर्भ में ना मरे, कोई स्त्री सताई ना जाए, सती ना बने, जलाई ना जाए, बलात्कार और हत्या का शिकार ना बने। काश इस बार कुछ ऐसा हो जाए, सब स्त्री एकजुट हो जाए, सारे रक्षा सूत्र सार्थक हो जाए, सारे रक्षा सूत्र सार्थक हो जाए। अभी ताजा कविता है ये। थोड़ी पीड़ादायक है। वो हंसी जोर से हंस पड़ी, वो जो कई सदियों से गुमसुम थी। आज जोर से हंस पड़ी वो जो कई सदियों से गुमसुम थी। इस तरह हंसी जैसे फूट पड़ा हो कोई चश्मा, सीने पर रखी चट्टानों को तोड़ता हुआ। इस तरह हंसी जैसे फूट पड़ा हो कोई चश्मा, सीने पर रखी चट्टानों को तोड़ता हुआ चला गया वो जिसने बोझ समझा था बेटी को। चला गया वो जिसने बोझ समझा था बेटी को, कलम नहीं पकड़ने दी भाई के साथ। चला गया वो भी जिसे अधिकार तो पता थे कर्तव्य नहीं, जिसने उसका हक नहीं समझा पिता की जायदाद में। चला गया वो भी जिसे अधिकार तो पता थे कर्तव्य नहीं, जिसने उसका हक नहीं समझा पिता की जायदाद में। और चला गया वो भी जिसने फेरे लेते हुए खाई थी कसम सुख दुख में साथ निभाने की। चला गया वो भी जिसने फेरे लेते हुए खाई थी कसम सुख दुख में साथ निभाने की, पर सुख बीन बीन कर रख लिया खुद और दुख भर दिए उसकी देह और आत्मा में। सुख बीन बीन कर रख लिया खुद और दुख भर दिए उसकी देह और आत्मा में। और आज चला गया वो भी, और आज चला गया वो भी जिसने समर्थ होते ही उसकी खाई हुई रोटियां गिनी, खुद भूल गया कितनी रोटियां मनुहार करके खाई इस औरत के हाथों। और आज वो भी चला गया जिसने समर्थ होते ही उसकी खाई रोटियां गिनी, खुद भूल गया कि कितनी रोटियां मनुहार करके खाई इस औरत के हाथों। आज जोर से हंस पड़ी वो, आज जोर से हंस पड़ी वो, बरसों से जिसे हंसते हुए नहीं देखा था किसी ने भी, वही लाश को देखकर दोहरी हुई जा रही थी हंस हंसकर पेट पकड़े हुए। रुक, आज जोर से हंस पड़ी वो, बरसों से जिसे हंसते हुए नहीं देखा किसी ने भी, वही लाश को देखकर दोहरी हुई जा रही थी हंस हंस कर पेट पकड़े हुए। रुक नहीं रही थी उसकी खिलखिलाहट, शोक जताने आई औरतें देखती रही अचरज से। रुक नहीं रही थी उसकी खिलखिलाहट, शोक जताने आई औरतें देखती रही अचरज से। इतना हंसी वो कि हंसने लगे मौसम, इतना हंसी वो कि हंसने लगे मौसम, झरे फूल महकने लगे, सूखी नदी बहने लगी, होने लगा अंकुरण बंजर जमीन में। उसकी हंसी में खुशी की लहर थी तो रुदन भी था जीवन का, उसकी हंसी में खुशी की लहर थी तो जीवन भी था रुदन का। बहुत ही अपनी सी लग रही थी वो हंसी, इतनी अपनी सी, इतनी अपनी सी कि मानो उन औरतों के आत्मा में घुट रही थी। बरसों बरस से वो हंसी छटपट आ रही थी निकलने को, आज राह मिल गई निकलने की, वो आज राह मिल गई निकलने की। रोकना मुश्किल हो रहा, अचानक उस हंसी में शामिल हो गई बहुत सी हंसी, अचानक उस हंसी में शामिल हो गई बहुत सी हंसी, अलग अलग तरह की हंसी, बूढ़ी और जवान हंसी, बचपन और किशोर हंसी। सफेद कफन पर गिरती रही रंग बिरंगी हंसी, सफेद कफन पर गिरती रही रंग बिरंगी हंसी, बच्चे भी शामिल हो गए उछलते ताली बजाते हुए। बस इतना हुआ, बस इतना हुआ कि कुछ लोग डरे, बस इतना हुआ कि कुछ लोग डरे, इतना डरे कि योजना बनाने लगे डराने की उस हंसी को, उन हंसियों को, उस हंसी को, उन हंसियों को। धन्यवाद। मैं अपनी कुछ छोटी छोटी कविताएं सुनाती हूँ।
समय बताते रहिएगा भैया। हाँ, हम बात कर रहे थे कविता की, बात जब हो रही थी तो कविता के बारे में जब हम बात कर रहे थे, तो मुझे लगता है कि कविता हमारी सांस है, धड़कन है, जीवन है, दिमाग है, और कविता चल है तो अचल भी है, और जिद्दी है तो आज्ञाकारिणी भी, यानी कि विपरीतता में एकता ही कविता है। और 100 बात की एक बात कह सकती हूँ अंत में कि कविता ही जीवन है, कायनात है, कोई लिखे या ना लिखे, सब जगह है कविता, आप में, मुझ में और इस पूरी दुनिया में। इसलिए इस कविता को, कविता के भाव को प्रणाम करती हूँ मैं, और मैं अपनी कुछ छोटी छोटी कविताएं प्रस्तुत करती हूँ। छोटी छोटी कविताएं है, पहली है, नदी ने प्रेम किया पानी से, नदी ने प्रेम किया पानी से, पानी विहीन हो गई। पेड़ ने प्रेम किया हरेपन से, नहीं रहा सदा हरा। मैंने प्रेम किया तुमसे, हम कभी साथ नहीं रहे। मैंने प्रेम किया तुमसे, हम कभी साथ नहीं रहे, पर प्रेम जगमगाता रहा नदी में, पेड़ में और हमारी आंखों में। अगली है, ये छोटी छोटी सी लिखने की कोशिश की है, तेरा प्रेम वो पेड़ है, तेरा प्रेम वो पेड़ है जिसका पत्ता पतझड़ को नहीं मानता। तेरा प्रेम वो पेड़ है जिसका पत्ता पतझड़ को नहीं मानता। ममता जी धन्यवाद, स्वागत। तेरा प्रेम वो पेड़ है जिसका पत्ता पतझड़ को नहीं मानता, पीले पड़ने से इनकार कर देता है। एक और, ये उबासियां यूं तो मेरे आलस्य का प्रतीक है, ये उबासियां यूं तो मेरे आलस्य का प्रतीक है, पर ये मानकर खुश हूं कि तुम याद कर रहे हो, पर ये मानकर खुश हूं कि तुम याद कर रहे हो। अभी समय है जी जी। एक और है, व्हाट्सएप का इस टाइपिंग, अब ये सोशल मीडिया पर ही है, व्हाट्सएप का इस टाइपिंग या मैसेंजर की हिलती डुलती तीन बिंदियां, व्हाट्सएप का इस टाइपिंग या मैसेंजर की हिलती डुलती तीन बिंदियां, दे जाती है एहसास तुम्हारी छुअन का, अदृश्य ईश्वर की तरह भरोसा बन जाते हो, अदृश्य ईश्वर की तरह भरोसा बन जाते हो। एक और छोटी सी कविता, लम्हा लम्हा बिखरा, लम्हा लम्हा बिखरा तो शब्द शब्द सिमटे, लम्हा लम्हा बिखरा तो शब्द शब्द सिमटे, किताबों के बीच बरसों पहले धरा गुलाब महक महक गया। अगली कविता एक छोटी सी, जब हम मिलकर बिछड़े तो स्मृतियों का बोझ सिर्फ मेरे हिस्से में ना हो, जब हम मिलकर बिछड़े तो स्मृतियों का बोझ सिर्फ मेरे हिस्से में ना हो, आधा तुम रख लेना आधा मैं संभाल लूंगी, आधा तुम रख लेना आधा मैं संभाल लूंगी, उसी तरह जैसे हमने प्रेम संभाला था आधा आधा, जैसे हमने प्रेम संभाला था आधा आधा। और एक छोटी कविता अंतिम, प्रेम क्या है, प्रेम क्या है, प्रेम एक भाव है सब देने का, एक भाव है सब देने का, और सब देने के बाद कृतज्ञता से भरे रहने का, और सब देने के बाद कृतज्ञता से भरे रहने का। ये तो मेरी कुछ छोटी छोटी सी कविताएं थी। एक कविता मैं जरूर सुनाना चाहती हूँ, चिड़ियों ने मुझे हमेशा ही आकर्षित किया है, और अलग अलग प्रतीकों में चिड़िया हमारी कविताओं में आती रहती है। चिड़ियों के ऊपर जो हमारे कविताओं में अलग अलग प्रतीकों के माध्यम से आती रहती है, तो मैंने भी इसको एक प्रतीक के रूप में लिया है और चिड़िया के रूप में भी है। शीर्षक है कविता का, तुम आना जरूर, तुम आना जरूर,
लहलहाती फसलों के साथ, लहलहाती फसलों के साथ खेत खलियान में जो अनाज का ढेर है ना, उसमें तुम्हारा भी हिस्सा है, पेट भर खाना बिखरा तुम आना जरूर। लहलाती फसलों के साथ खेत खलियान में जो अनाज का ढेर है ना, उसमें तुम्हारा भी हिस्सा है, पेट भर खाना बिखराना। ये दादू ने जो कुआं खुदवाया है ना, ये दादू ने जो कुआं खुदवाया है ना, उसके मीठे पानी में तुम्हारा भी हिस्सा है, रोज का मन भर पीना, नहाना खेलना किलकना। दादू ने जो कुआं खुदवाया है ना, उसके मीठे पानी में तुम्हारा भी हिस्सा है, रोज का मन भर पीना, नहाना खेलना किलकना। ये जो बाल गोपाल ठुमकते उमकते, ये जो बाल गोपाल ठुमकते उमकते रोटी खाते बिखराते घूमते हैं ना, उनके साथ खेलते हुए उन घी से तर रोटियों में तुम्हारा भी हिस्सा है, उनके साथ खेलते हुए उन घी से तर रोटियों में तुम्हारा भी हिस्सा है, स्वाद ले लेकर खाना खुश आना खुश होना, स्वाद ले लेकर खाना खुश होना तुम आना जरूर। जब भी घर की छत या आंगन में, जब भी घर की छत या आंगन में बड़ी पापड़ कुल्लई बनेंगे। ये बना करते थे, शायद आप सब लोग जानते होंगे इनके बारे में, कुल्लई। जब भी घर की छत या आंगन में बड़ी पापड़ कुल्लई बनेंगे या धोकर सुखाए जाएंगे पूजा पाठ के लिए जो तिल अनाज, उन्हें तुम ही आरोगना सबसे पहले, उन्हें तुम ही आरोगना सबसे पहले, ईश्वर भी आशीष देंगे तुम आना। ये पूर्वजों के लगाए आम पीपल नीम है ना, ये पूर्वजों के लगाए आम बड़ पीपल नीम है ना, इनमें तुम्हारा भी हक है, पोसेंगे ये हमारे साथ तुम्हें भी बाहें फैलाए अपने में, इनमें तुम्हारा भी हक है, पोसेंगे ये हमारे साथ तुम्हें भी बाहें फैलाए ललक के समेटेंगे अपने में, तुम्हारे परिवार का ठिया बनेंगे, इसके पंचांग पर हक है तुम्हारा भी, इन्हें अपना ही समझना सदा, इसके पंचांग पर हक है तुम्हारा भी, इन्हें अपना ही समझना सदा, इसलिए चिड़ियों तुम आना जरूर, इसलिए चिड़ियों तुम आना जरूर, किसी भी समय आओ, ये घर है तुम्हारा, डेरा जमाओ घर बनाओ या उड़ जाओ, पर आना जरूर, आती ही रहना, आती ही रहना, चिड़ियों तुम आना जरूर। धन्यवाद। मेरा संग्रह, दो संग्रह बोधि प्रकाशन से आ चुके हैं, उसमें है एक मुट्ठी प्रेम, ये एक संग्रह है, इसका मुख्य पृष्ठ प्रवेश सोनी ने बनाया है, मेरी दोनों कविताओं का बहुत सुंदर कलाकार कलाकृतियां बनाती है, पेंटिंग ड्राइंग। आजादी का जश्न, मेरी अगली कविता है आजादी का जश्न। बड़ी लाल बिल्डिंग, एक स्कूल की, खैर समझ वो बात समझ में आएगी आपको कि मैं कहाँ ले गई थी, ले जाती हूँ इस कविता को। आज़ादी का जश्न। बड़ी सी लाल बिल्डिंग, बाहरी ऊंची दीवारें, शिक्षा के कथित ठेकेदार, आयातित भाषा के दम पर जेबें भर रहे अपनी। बड़ी लाल बिल्डिंग, बाहरी ऊंची दीवारें, शिक्षा के कथित ठेकेदार, आयातित भाषा के दम पर जेबें भर रहे हैं। मार कूट कर दरवाजे से बाहर कर दी गई देश की भाषा, मार कूट कर दरवाजे से बाहर कर दी गई देश की भाषा, ताक जाक करती पकड़ाती रहती, सजा के तौर पर बच्चों की उंगलियां कुचल दी जाती। कुछ सालों पहले की ये घटना थी, आपको याद आ गई होगी ये बात। ताक जाक करती पकड़ाती रहती, सजा के तौर पर बच्चों की उंगलियां कुचल दी जाती हैं, चाटे मारे जाते हैं। आजादी का जश्न मना रहे हैं बच्चे, आजादी का जश्न मना रहे हैं बच्चे, घायल उंगलियों में तिरंगा थाम कर सिसकी के साथ भारत माता की जय बोलते हुए, सिसकियों के साथ भारत माता की जय।
बोलते हुए। एक अपनी पसंद की एक कविता जो मुझे बड़ी पसंद है, ये मैं आपको सुनाती हूँ। खेत से लौटते हुए, कविता का शीर्षक है प्रेम का स्वाद। खेत से लौटते हुए तुम्हारे पसीने से तरबतर देह की सुगंध मुझे अलग ही लोक में ले जाती है। खेत से लौटते हुए तुम्हारे पसीने से तरबतर देह की सुगंध मुझे अलग ही लोक में ले जाती है। पसीने की बूंदों को अपनी उंगलियों के पोर पर रखकर कुछ बूंदें प्रेम का स्वाद। खेत से लौटते हुए तुम्हारे पसीने से तरबतर देह की सुगंध मुझे अलग ही लोक में ले जाती है। पसीने की बूंदों को अपनी उंगलियों के पोर पर रखकर कुछ बूंदें उछाल दी है समुद्र में। पसीने की बूंदों को अपनी उंगलियों के पोर पर रखकर कुछ बूंदें उछाल दी है समुद्र में। कुछ बूंदें समेटकर धरती पर टपका दी। कुछ बूंदें समेटकर धरती पर टपका दी। कुछ बूंदों ने खेतों में जगह पाई। कुछ बूंदों ने खेतों में जगह पाई और कुछ बूंदों को मैंने अपनी आंखों में रख लिया। और कुछ बूंदों को मैंने अपनी आंखों में रख लिया। खारा हुआ सागर धरती ने नमक उपजाया। आंसुओं में दुख ने पनाह ली। खारा हुआ सागर धरती ने नमक उपजाया। आंसुओं में दुख ने पनाह ली। स्वाद घुल गया अन्न में, पानी में, रोटी में और रिश्तों में। स्वाद घुल गया अन्न में, पानी में, रोटी में और रिश्तों में। जब तक पसीना है प्रेम का स्वाद बना ही रहेगा। जब तक पसीना है प्रेम का स्वाद बना ही रहेगा। और जन सरोकार मंच टॉप का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। धन्यवाद।